हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है ना, दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केएसपी से, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया है केएसपी। इसमें के कांस्टेंट है, एस सॉल्युबिलिटी, पी प्रोडक्ट है। तो ये टॉपिक क्या है, कुछ भी है, बेसिकली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक कांस्टेंट है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, एक कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट क्या है, इसके इससे रिलेटेड क्या क्या डिटेल्स हैं, तो चलो हम वन बाय वन सारी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अब मैं डेफिनेशन बाद में बता रहा हूं इसकी, कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी लेकर इस टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं। सपोज कर लेते हैं कि कंसीडर द सॉल्युबिलिटी consider the solubility of a weak electrolyte। कोई भी एक weak electrolyte है, उसकी solubility को मैं suppose कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। जैसे कि silver chloride, silver chloride एक solid है। जब ये किसी भी compound not किसी भी compound में, पर अगर इसकी हम aqueous solution बनाएं, especially water में जब इसको dissolve करें, तो उसकी solubility बहुत कम है, इसी वजह से कि ये weak electrolyte है। और आप सब जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट हर ऐसी चीज को कहते हैं जब वो आयनाइज हो सॉल्यूशन में, तो वो पॉजिटिव आयन बनाए, नेगेटिव आयन बनाए, और उसकी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो। सिल्वर क्लोराइड की सॉल्यूशन में भी थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, कि थोड़ी बहुत इस वजह से होती है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी आयनाइजेशन बहुत कम होती है। पर जब भी होती है तो ये अपने आयन में टूटता है। तो आप जानते हैं कि सिल्वर क्लोराइड जो कि सॉलिड है, जब यह आयनाइज होगा देन इट विल प्रोड्यूस द सिल्वर आयन, जो कि सॉल्यूशन में पड़े होंगे। मैं नीचे लिख लेता हूं AQ, और इसके साथ बनेंगे क्लोराइड आयन, ये भी सॉल्यूशन में पड़े होंगे AQ, ठीक है। पहली बात यू सपोज कर लेते हैं कि ये कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर सिल्वर क्लोराइड सॉल्युबल फॉर्म में पड़ा है। एक सेंटेंस लेकर टॉपिक को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, वो ये कि आयनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज रिवर्सिबल। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो आयनाइजेशन होती है यह रिवर्सिबल होती है। अच्छा, क्यों होती है, जरा इसको सीख कर लेते हैं। वो कुछ यूं होती है कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन में आयंस बन जाएंगे, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड डिसोसिएट होगा, आयंस बनेंगे। अब सोल्यूशन में आप जानते हैं कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दे आर रेंडमली मूविंग, एंड बिकॉज ऑफ द रेंडम मोशन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोबारा रिज्वाइन हो सकते हैं। और जब ये आयन दोबारा रीज्वाइन होंगे तो फिर आप जानते हैं कि आयन जब ज्वाइन हुए तो उसको कहेंगे डी आयनाइजेशन, या उसको कह सकते हैं अन आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब वापस जाना, वापस एक्चुअल फॉर्मेट में आना जहां से स्टार्ट हुआ था मामला। और जैसे सिल्वर और क्लोराइड के आयन सॉल्यूशन में रेंडमली मूव करते दोबारा रीज्वाइन होंगे, तो एक उनमें से कुछ पार्टिकल दोबारा जो होंगे वो सेपरेट भी हो रहे होंगे। तो एक तरफ सिल्वर क्लोराइड डिसोसिएट हो रहा होगा और दूसरी तरफ जो है कुछ आयंस होंगे वो आपस में रीज्वाइन होकर अनआयनाइज सिल्वर क्लोराइड बना रहे होंगे। और जब ये प्रोसेस कुछ यूं होगा कि जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड, आयनाइजेशन और आयनाइजेशन, इन दोनों का रेट जब इक्वल हो जाएगा तो हम कहते हैं कि सिस्टम हैज अचीव द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सिस्टम कौन सी स्टेट को अचीव किया है, इक्विलिब्रियम। और फिर आप जानते हैं कि सिस्टम जब इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा तो हम कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। और जब हम लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकते हैं तो इस रिएक्शन के लिए मैं केसी का फार्मूला लिख सकता हूं। और आप बेहतर जानते हैं कि इस रिएक्शन के लिए जब मैं केसी की फार्मूला लिखूंगा, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस केस में कोफिशिएंट जो है मोल्स के वो सबके 1:1 है, तो मैंने सबके ऊपर पावर जो दिया है वो क्या दिया है, 1:1। ये बात मेरे ख्याल में सबकी क्लियर होगी, ठीक। सिल्वर क्लोराइड की सॉल्यूशन बनाई, सिल्वर क्लोराइड आयनाइज हुआ, आयनाइजेशन रिवर्सिबल थी, तो मैंने लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर लिया, ठीक है। यहां तक सब समझ गए, अब आते हैं आगे। अगर मैं आपसे यह कहूं कि इफ सोल्यूशन इज सेचुरेटेड, अगर सिल्वर क्लोराइड की सॉल्यूशन अगर सेचुरेटेड है, तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि सिल्वर क्लोराइड की जितनी अमाउंट डिजॉल्व हो सकती थी उतनी हमने कर दी। तो सिल्वर क्लोराइड की जितनी अमाउंट डिजॉल्व हो सकती थी अगर हमने उतनी कर दी है,
तो इसका इनडायरेक्ट मतलब यह है कि सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर क्लोराइड की कंसंट्रेशन जो होगी वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक फिक्स्ड अमाउंट सॉल्यूट का जो है वो सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता है एट गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर तो हम चेंज कर नहीं रहे, तो व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टू बी डिजॉल्व मस्ट बी कांस्टेंट। अब आप देखेंगे इस इक्वेशन में अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड है तो इस इक्वेशन में दो चीजें कांस्टेंट हैं, एक केसी कांस्टेंट है और दूसरा सिल्वर क्लोराइड की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है क्योंकि सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। तो दोनों कांस्टेंट को मैं एक तरफ लेकर जा रहा हूं, तो मैं अगर इस तरह से लिखूं कि केसी मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, और दैट विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, ठीक है, सिल्वर आयन मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। आई थिंक यहां तक बात सबकी समझ आ गई होगी, ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा, इसके आगे की कहानी कुछ यूं है कि सॉल्यूशन में सिल्वर आयन और क्लोराइड के आयन कितने ज्यादा पड़े होंगे इसका ताल्लुक इस बात पे है, इसका ताल्लुक इस बात पे है कि सिल्वर क्लोराइड की कितनी अमाउंट डिजॉल्व पड़ी होगी, ये अमाउंट कितनी डिजॉल्व पड़ी होगी इसका ताल्लुक फिर केसी से है कि केसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यू कैन चेक इट, केसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना सिल्वर क्लोराइड की कंसंट्रेशन कम होगी। पर आप जानते हैं कि ये क्वांटिटी फिक्स होती है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो इन दोनों के प्रोडक्ट यानी केसी और सिल्वर क्लोराइड की कंसंट्रेशन इनसे डायरेक्टली इक्वल हो जाता है। तो ये भी कांस्टेंट केसी, सिल्वर क्लोराइड जो था उसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बीइंग ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये भी कांस्टेंट। तो इन दोनों कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो प्रोडक्ट है, नाउ दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड केएसपी, इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, केएसपी। नाउ केएसपी नाउ देन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। तो केएसपी है क्या, अब हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, मैंने पूरी बैकग्राउंड सारी टॉपिक की बता दी है, नाउ यू कैन बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू डिफाइन द वर्ड केएसपी। बाकी जो जो एक्सपोनेंट होंगे कंसंट्रेशन के ऊपर वो दोनों के वन वन होंगे, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक रेशियो जिससे ये इक्वेशन बनी है वो वन वन से बनी है। तो आप जानते हैं कि जो भी इक्वेशन बैलेंस में कोफिशिएंट यूज किए जाते हैं वो कंसंट्रेशन के ऊपर एज एक्सपोनेंट लिए जाते हैं, कोई सी भी इक्वेशन होती, ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे सिल्वर क्लोराइड के केएसपी की इक्वेशन कैसे बनी है। कोई और इक्वेशन सपोज अगर हम बनाएं, सपोज करें कि अगर मैं कहता हूं कि कंपाउंड है लेड आयोडाइड, जब डिसोसिएट होगा दिस विल प्रोड्यूस द लेड आयन एंड द टू आयोडाइड आयन, ठीक है। इसके लिए अगर हम केएसपी का फॉर्मूला बनाएं तो केएसपी विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ लेड आयन, ठीक है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन। पर आयोडाइड जो होंगे इसके ऊपर पावर 2 आएगा और लेड के ऊपर जो पावर आएगा वो क्या आएगा, वो 1 आएगा। तो दैट द वे हाउ वी आर राइटिंग द केएसपी फॉर एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है उसके लिए केएसपी कैसे लिखनी है, तो उसमें सिर्फ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेनी है। अब डेफिनेशन भी आपके सामने है, यू कैन सी प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन इज इक्वल टू केएसपी। तो केएसपी को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं। तो केएसपी को डिफाइन करने का पहला तरीका, है कि प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड आयन इन द सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन में जितने भी डिजॉल्व आयन पड़े हैं उन दोनों आयन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों आयन की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड केएसपी, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा तरीका इसको समझाने का यह है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर सॉल्युबिलिटीज ऑफ आयंस, क्योंकि कंसंट्रेशन जो होते हैं वो हमेशा मोलर कंसंट्रेशन होती है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में होती है, इसी का दूसरा नाम मोलरिटी भी है। इस वजह से प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन जो है कंसंट्रेशन मोलरिटी में ली है, तभी हमने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ मोलर सॉल्युबिलिटी। तो आई डोंट थिंक कि दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज केएसपी। हाँ, कुछ चीजें हैं जो टेक्निकल हैं, उसको याद रखना है। जैसे कि हमने जब ये इक्वेशन जब हमने डिराइव की सिल्वर क्लोराइड के लिए या किसी भी साल के लिए जब ये क्वेश्चन लिखते हैं तो हम एक शर्त रख के सारी कहानी को डिटेल में लेते हैं, वो ये कि सॉल्यूशन कैसी होनी चाहिए, सैचुरेटेड। तो याद रखिए एक बात, मैं आगे जा रहा हूं मिस्टर तो आप देखें कि पॉइंट नंबर वन, इफ केएसपी
इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आयन एंड कंसंट्रेशन। अब आयन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फिर किसी के भी हो, उसकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अगर केस पी के इक्वल है तो फिर हम कहेंगे देन सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। तो फिर सॉल्यूशन क्या होगी, सैचुरेटेड होगी। अगर केस पी की वैल्यू ज्यादा है और आयन से पड़े सॉल्यूशन में उसका प्रोडक्ट अगर कम है, आयनिक प्रोडक्ट कम है, केस पी की वैल्यू ज्यादा है, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब है कि उस सॉल्यूशन को बनाने में जितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता था उतना सॉल्यूट हमने डिजॉल्व नहीं किया है, इस वजह से आयंस की क्वांटिटी जितनी होनी थी उससे कम पड़ी है। तो उसका मतलब है कि देन सॉल्यूशन क्या होगी, अनसेचुरेटेड। एंड थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग टू दिस लेक्चर इज के नंबर वन जैसे हमने कहा, और इस तरह से नंबर टू, ठीक है। अब आते हैं नंबर थ्री कि इफ केस पी इज लेस देन द आयनिक प्रोडक्ट, यानी आयन सॉल्यूशन में ज्यादा पड़े हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का प्रोडक्ट ज्यादा है और केस पी की वैल्यू कम है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ऐसा सिर्फ तभी होगा देन सॉल्यूशन विल बी सुपर सैचुरेटेड। और ये बात भी याद रहे कि सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सिर्फ एक ही सूरत में होती है, तब जब हमने हाई टेंपरेचर पे एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व किया हो ताकि आयनिक प्रोडक्ट बढ़ जाए और केस पी की वैल्यू कम रहे। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि व्हिच वन आउट ऑफ दिस थ्री सॉल्यूशन इज अ हार्ड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड, समझ में आई बात ये, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आयनिक प्रोडक्ट केस पी से ज्यादा है, ऐसा सिर्फ तभी होगा जब सॉल्यूशन की नेचर कैसी होगी, सुपर सैचुरेटेड होगी। और ये बात याद रखें जो एक्सेस सॉल्यूट जो पड़ा था सॉल्यूशन में, वो तब तक एक्सेस में पड़ा होगा सॉल्यूशन में तब तक जब तक टेम्परेचर मेंटेन्ड है, हाई टेम्परेचर मेंटेन्ड है। जैसे ही हम टेम्परेचर को ड्रॉप करेंगे, जैसे ही हम टेम्परेचर को ठंडा करेंगे, तो जो एक्सेस सॉल्यूट जो था वो अब डिजॉल्व नहीं होगा, तो फिर वो प्रिसिपिटेट हो जाएगा या क्रिस्टलाइज हो जाएगा। अगर आपसे यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कि अमंग दीज थ्री सॉल्यूशन व्हिच सॉल्यूशन इज यूज फॉर द क्रिस्टलाइजेशन, कौन सी सॉल्यूशन क्रिस्टल बनाने के लिए यूज की जाती है, सुपर सैचुरेटेड। हाउ क्रिस्टल विल फॉर्म, बाय ड्रॉपिंग द टेम्परेचर। क्रिस्टल कैसे बनेंगे, जब टेम्परेचर को ड्रॉप करेंगे। आई बात समझ में। अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछूं, बताओ कि तीनों सॉल्यूशन जिस टेम्परेचर पे बनाई हुई हैं, कोई लो टेम्परेचर पे बनाई हो, कोई हाई टेम्परेचर पे बनाई हुई हो, इससे कोई इशू नहीं है, जो सॉल्यूशन जिस टेम्परेचर पे बनाई हुई है, अगर उसका टेम्परेचर मेंटेन्ड है उसी टेम्परेचर पे, कौन सी सॉल्यूशन है जिसमें और सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं, तो आपका जवाब होगा नंबर बी, कौन सी सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड। क्यों, क्योंकि इसमें आयनिक प्रोडक्ट कम था, केस पी ज्यादा थी, इसमें और सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि और कितना सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं, हम और सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं तब तक जब तक कि आयनिक प्रोडक्ट जो है वो केस पी के इक्वल हो जाए। जैसे ही आयनिक प्रोडक्ट केस पी के इक्वल होगा, सॉल्यूशन अनसेचुरेटेड से दोबारा सुपर सैचुरेटेड हो जाएगी। तो यह बात याद रखें कि ओनली सॉल्यूशन दैट कैन होल्ड मोर सॉल्यूट, एक्सेस सॉल्यूट, दिस इज द अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन जो होती है उसमें हम एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिजॉल्व करके और सॉल्यूट डिजॉल्व करके उसको सैचुरेटेड बना सकते हैं, और जैसे सैचुरेटेड बनाएंगे तो आयनिक प्रोडक्ट दोबारा केस पी के इक्वल हो जाएगा, जो कि पहले केस पी ज्यादा थी और आयनिक प्रोडक्ट कम था। तो आई होप कि ये तीनों पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।